जय श्री कृष्णा। कहते हैं वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, वक्त में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। आपसे, आपके ग्रह नक्षत्रों से सबसे ज़्यादा ताकत वक्त में है। कहते हैं ना, मनुष्य बड़ा ना होत है और वक्त होत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। वक्त बलवान था तो अर्जुन जैसे धनुषधारी भी भीलों से अपने सखा ठाकुर जी की यानी कि कृष्ण जी की गोपियों को बचा कर नहीं ला पाए थे। इसीलिए हमें वक्त की कदर हमेशा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, वो बहुत पंचुअल होते हैं, उन्हें लाइफ में वक्त की बहुत कदर होती है। एकदम ऑन टाइम 9 बजे का टाइम दिया तो 9 बजे ही पहुँचेंगे, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद होता है। इसीलिए चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ये कभी भी अपने वक्त को टालते नहीं हैं। इसी प्रकार कई लोग वक्त पे कोई काम ही नहीं कर पाते, जब वादा करेंगे उनके वादे टूट जाते हैं। वैसे सच बोलूँ, ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों को शनि थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं, तभी तो ऐसे लोग कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। माफ़ करना, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि वक्त आपको चलाता है, आप वक्त नहीं चला सकते। हाँ, इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैं इसका कोई सबूत आपको नहीं दे पाऊंगी, पर यह सत्य है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वक्त ने ही अपने हिसाब से सब कुछ बदला है। ऐसा भी कहते हैं कि वक्त घूम फिरकर वहां पर ज़रूर आता है जहां से वो चला होता है। तभी तो हर चीज़ बार बार वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहां से स्टार्ट होती है। पहनावा देख लीजिए, परंपराएं देख लीजिए, या फिर हमारे जीवन की शैली देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम अपने गुजरे वक्त में ज़रूर जाते हैं। जो लोग अपने गुजरे वक्त में ज़्यादा रहते हैं, ऐसा कहते हैं उनके ऊपर ज्योतिष के अनुसार केतु और चंद्रमा की परछाई होती है। इसीलिए वो लोग हमेशा बीते कल की बातें करेंगे, बीते हुए लोगों की बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, लोग आपसे उन लोगों की बातें करने बैठ जाते हैं जो इस दुनिया से चले गए। उनकी यादों को बार बार याद करते हैं, उनके बारे में बार बार जिक्र करते हैं। वो आज में नहीं जी पाते, वो कल में जीते हैं, क्योंकि उनका वक्त कहीं ना कहीं समय से परे चल रहा होता है, पीछे चल रहा होता है। कई लोगों के साथ पीछे का समय साथ चलकर आता है, इसीलिए उनके जीवन में उनकी बहुत सारी चीज़ें स्टक होती हैं। ना वो अपने जीवन में सक्सेस हो पाते हैं, ना उन्हें अपना मन पसंदीदा प्यार मिल पाता है, ना ही उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहती हैं, और वो एक अजीब से तरीके से खोए खोए, गुमसुम और डिप्रेस्ड रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिछले गुजरे वक्त की परछाई उनके साथ बंधी होती है। इस बंधी हुई डोर को काटने के लिए हमें जो थेरेपीज करनी चाहिए, वही हमारी कॉर्ड कटिंग कहलाती है। इस चीज़ में एक और चीज़ होती है, आप कई बार देखेंगे कुछ छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप उन्हें मना करेंगे, ये काम मत करो, इस व्यक्ति से संपर्क मत रखो, इस व्यक्ति से ज़्यादा बोलचाल मत रखो, इससे ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी घूम फिर के वहीं उनके साथ चिपक जाएंगे, उन्हीं के साथ अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, अपने मन की बात, अपने राज ऐसे व्यक्ति से कहना पसंद करेंगे। इस केस में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दो व्यक्तियों के बीच किसी और के आने से उन दोनों के रिलेशनशिप में खटास आ जाना और उन दोनों के रिलेशनशिप का जुड़ जाना, ये भी कहीं ना कहीं आपके पिछले वक्त का आपके आज भी साथ चलने का नतीजा है।
यही वो रिश्ते हैं जो आप पिछले जन्म से अपने साथ कैरी करके लाए हैं और वक्त ने आपको कहीं ना कहीं उनसे वापस मिलवा दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक शॉप से सामान खरीद कर लाए, बहुत सालों तक हम उस दुकान पर नहीं गए और अचानक से हम फिर किसी दिन उसी दुकान पर पहुंच गए। ये भी कहीं ना कहीं वक्त की ही हमारे साथ चाल होती है जो हमें घुमा कर वापस पीछे ले जाता है। कई कई बार तो ऐसा होता है हम किसी जगह पर पहली बार जाते हैं, उस जगह को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ कब इस जगह पर आ चुके हैं। इस जगह के साथ हमारा एक रिश्ता है, इस जगह को हमने पहले भी देखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक तस्वीर छपी होती है और इसी के बेस पर जब हमारा किसी से बहुत गहरा दिल लग जाता है ना, जब हम किसी से अथाह मोहब्बत करने लगते हैं तो हम बस यही कहते हैं कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल चुराता कोई, है ना। ऐसे ही रिश्तों के ऊपर और ऐसे ही वक्त का आपको किसी के साथ जोड़ देना, ये बहुत बड़ा संगम कहलाता है। आज मैं इस वक्त के बारे में बार बार इन चीज़ों के बारे में आपसे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज का मेरा सॉल्यूशन आपको वक्त को लेकर ही है। और आज मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ उसके अंदर वक्त का एक अहम रोल है। तो चलिए बताऊँगी आपको, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपके सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जिनका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होगा, जिनकी कुंडली के अंदर केतु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे, जिनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं इंट्यूशन भाव बहुत एक्टिव होगा, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों का एक बहुत गजब का कोइंसिडेंट बनता है। ऐसे लोग एक नंबर बार बार अपनी घड़ी में ज़रूर देखते हैं, जैसे कि वो जब भी टाइम देखेंगे उन्हें हमेशा 1 बजे का टाइम मिलेगा, 5 बजे का टाइम मिलेगा, 7 बजे का टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशली उस चीज़ को देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उनके साथ ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। आज उन्होंने घड़ी देखी 1 बजे, कल उन्होंने घड़ी देखी फिर 1 बजे। ऐसा नहीं है कि वो दिन में 5 बार घड़ी नहीं देखते, देखते हैं, लेकिन उस वक्त ज़रूर उनका ध्यान घड़ी पर जाएगा ही जाएगा जो वक्त उनके साथ अटैच्ड होता है। ये एक सुप्रीम पावर का आपके साथ होना दर्शाता है, ये एक ऐसी शक्ति का आपके साथ होना दर्शाता है जिससे आपको हमेशा कहीं ना कहीं ताकत मिलती है, जो आपको हर बुरे वक्त से निकाल लाती है, जो आपके साथ हर बुरे वक्त में खड़ी होती है। ऐसे लोगों को एक और बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, वो है ईश्वर का आशीर्वाद। उनके कोई काम नहीं बन रहे होंगे, लेकिन अगर वो सच्चे मन से ईश्वर से कहेंगे तो उनके काम ज़रूर बनने लगेंगे। ऐसे लोग अपने मुंह से कुछ भी कह दें उनकी वो बात पूरी हो जाती है, फिर चाहे वो राह चलते व्यक्ति कोई क्यों ना कह दे, अरे भैया ध्यान से देखो आपकी चप्पल ना टूट जाए, पता लगा 10 कदम जाके उसकी चप्पल टूट गई। ये आपकी वाणी सिद्धि नहीं है, ये ऐसे लोगों के साथ में बहुत गजब की इंट्यूशन पावर है। चीज़ें होने से पहले दिखना, ये इनके साथ एक बहुत बढ़िया फैक्टर होता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो ब्रांडेड घड़ियां पहनते हैं, उन्हें घड़ी पहनने का बड़ा शौक होता है, एक हाथ में उनके घड़ी हमेशा होगी, कुछ और हो चाहे ना हो। आपको पता है ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन के अंदर बहुत गहरा सोच रखते हैं। ऐसे लोग कुछ तो मजबूरियों में पहनना पड़ता है कि भाई हमें बार 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 समय देखना है इसलिए हम पहन रहे हैं। एक बहुत शौकीन होते हैं, जिन्हें बहुत शौक होता है कि मेरे पास पूरे महीने में कम से कम 15 घड़ियाँ होनी चाहिए जो मैं अलग अलग बदल के पहनूं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, प्लानिंग्स बहुत करते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा अपनी चीज़ों को करने के लिए एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है।
आज मैं आपको भी बताती हूँ कि आपके घर के अंदर लगी हुई घड़ी के पीछे अगर आप लिख देते हैं ये एक नंबर, तो आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध हो जाती है। तो चलें बताएं आपको और आज का महा उपाय दे दें। आज के महा उपाय में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको अपना प्यार चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी खोई हुई कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो आपका प्यार है, आपकी रेप्यूटेशन है, चाहे आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है, आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके हाथ से खो गया, आप अपने घर की घड़ी के पीछे एक वाइट कलर की पर्ची के ऊपर ग्रीन रंग के पेन से लिख दीजिए श्रिम। श्रिम लिखने के बाद आप नीचे लिख दीजिए 528। आप देखिएगा आपका वक्त फिर बदलेगा और आपको आपकी गई हुई चीज़ वापस ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब हो, वो शनिवार के दिन चलती हुई घड़ी, बंद घड़ी मत बिल्कुल भी दीजिएगा कि सेल के बिना ही दे आए बस घड़ी, नहीं नहीं नहीं, सेल के साथ चलाकर समय के साथ समय मिलाकर एक घड़ी मंदिर परिसर में ज़रूर लगा दीजिए, आपका समय बदल जाएगा। राहु आपको कभी भी पीड़ाएँ नहीं देगा। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही है, जैसे कि आपकी जॉब, जैसे कि आपकी लव लाइफ, जैसे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा उलझे उलझे रहते हैं, आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर लिख दीजिए 1178, घड़ी के पीछे चिपका दीजिए। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपके जीवन की उलझने सुलझ जाएंगी और आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। घड़ी के पीछे अगर आप लिखकर लगा देंगे ये एक नंबर, तो आपको अगर जाना है विदेश तो आपको जल्दी से विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। ये नंबर है 2212। इस नंबर को आपको लिख देना है ब्लैक पेन से और आपको लगा देना है अपनी घड़ी के पीछे। एक और चीज़ जिससे सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सबकी ज़िंदगी में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और ये है धन। कहीं ना कहीं हम पैसे को लेकर, कहीं ना कहीं हम अपने स्टेटस को लेकर हमेशा परेशान होते रहते हैं, कर्जों से दुखी होते रहते हैं। तो लाल पेन से लिख दीजिए 9191। इस नंबर को अपनी घड़ी के पीछे लगा दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन का वक्त कैसे पलटता है। हाँ, रास्ता सही होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए और ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, काम तभी बनते हैं। जिन लोगों का मन बहुत विचलित रहता है, जिनके बनते बनते काम अटक जाते हैं, जिनको हमेशा जीवन के अंदर नकारात्मकता मिलती है, ऐसे लोगों को एक पीले रंग की पट्टी अपने हाथ पे बांधकर फिर घड़ी पहननी चाहिए। छोटा सा सरल सा उपाय है। वैसे तो मैं घड़ी को लेकर आपको अनगिनत लाखों उपाय बता सकती हूँ इस वक्त, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल करिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए मेरी जान राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।